1994 को दूसरी एक फिल्म आई थी मोहरा। फिल्म में दो नए हीरो, जबरदस्त एक्शन, एक से बढ़कर एक विलन, सबने इस फिल्म में अपना 101% दिया। फिल्म का हर एक गाना और हीरो से लेकर विलन तक फिल्म के जरिए खूब मशहूर हुए। फिल्म को अब लगभग 27 साल पूरे हो चुके हैं। फिल्म से जुड़े कई किस्से आप जानते हैं और कई किस्से आप नहीं जानते हैं। फिल्म में कई बातें हैं जो अनसुनी रह गई हैं। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो के जरिए हम आपको बताते हैं बॉलीवुड की सुपरहिट तिगड़ी को फिल्म मोहरा में चांस आखिर कैसे मिला और फिल्म मोहरा से सुपरहिट होने वाली एक्ट्रेस रवीना टंडन, जो आज भले ही इंडस्ट्री से दूर हो, वो कैसे पॉपुलर हुई। नंबर वन, दोस्तों फिल्म मोहरा बनाने का आइडिया राइटर शबीर बॉक्सवाला को जिम में आया था। कहानी पूरी होने के बाद इसकी कास्टिंग शुरू हुई। कम ही लोगों को पता चला कि फिल्म के लिए मेकर्स की पहली पसंद रवीना टंडन नहीं थी। लीड एक्ट्रेस के लिए डायरेक्टर राजीव राय और प्रोड्यूसर गुलशन राय श्रीदेवी को लेना चाहते थे। उस वक्त श्रीदेवी सलमान खान के साथ फिल्म चंद्रमुखी में काफी बिजी थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। श्रीदेवी के मना करने के बाद फिल्म में ऐश्वर्या राय के नाम पर चर्चा की गई, लेकिन उस वक्त ऐश्वर्या राय मिस इंडिया की तैयारी में लगी हुई थी। फिर श्रीदेवी की हमशक्ल कही जाने वाली दिव्या भारती को इस फिल्म में कास्ट कर लिया गया। यही नहीं, उन्होंने 5 दिन फिल्म की शूटिंग भी की थी। इसी बीच अचानक उनकी हादसे में मौत हो गई। दिव्या भारती की मौत के बाद रवीना टंडन को लिया गया, लेकिन रवीना ने भी इस फिल्म को करने से पहले मना किया था, क्योंकि रवीना का कहना था कि इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस को ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं दिया जा रहा। लेकिन फिर बाद में रवीना ने इस फिल्म को करने के लिए हामी भर दी थी, जिसके बाद इस फिल्म की शूटिंग शुरू की गई। नंबर दो, फिल्म मोहरा की लीड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि फिल्म मोहरा का गाना टिप टिप बरसा पानी को उन्होंने 102 डिग्री बुखार के बीच शूट किया था। रवीना ने यह भी बताया कि इस गाने की शूट के लिए वो गोवा के एक लोकेशन पर पहुंचे, जहां मेकर्स पहले पानी बरसने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब लगा कि पानी नहीं बरसेगा तो आर्टिफिशियल पानी का टैंकर मंगवाया गया और उससे आर्टिफिशियल बारिश की गई। इस दौरान उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई थी और उन्हें 102 डिग्री का बुखार था। तपते बदन के बीच उन्होंने ठंडे पानी में इस गाने को शूट किया था। इस दौरान रवीना एक शॉट देती, खुद को तौलिए से सुखाती, उसके बाद फिर डांस करती थी, जिस पर रवीना को फिसलना था। वो फ्लोर इतना रफ था कि उनके घुटने तक छिल गए थे, पांव में कील चुभ गया, लेकिन वो डांस करती रही पूरे एक्सप्रेशंस और केमिस्ट्री के साथ। इस गाने की शूटिंग के दौरान किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये गाना इतना आइकनिक हो जाएगा, लेकिन रिलीज के बाद ये गाना रवीना की पहचान बन गया। नंबर तीन, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, सत्यजीत रे की फिल्म से लिया गया था ये गाना और इसके बाद रवीना टंडन को मस्त मस्त गर्ल के नाम से जाना गया। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात का विरोध किया था, खासकर चीज शब्द को बहुत स्त्री विरोधी माना गया, क्योंकि इस गाने में किसी महिला की बात हो रही है। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि इस गाने का रेफरेंस सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी से लिया गया था। रवीना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस फिल्म में एक सीन में लखनऊ के नवाबों वाली तहजीब में सईद जाफरी अपने चेस पार्टनर संजीव कुमार से ये कहते हैं कि अम्मा यार तुम तो बड़ी कमाल की चीज हो। यहाँ से उस गाने के बोल लिए गए थे जो कि आनंद बख्शी ने लिखे थे। नंबर चार, फिल्म में कई शानदार गाने थे। इसमें एक गाना था कजरे की धार, जिसे गाया था पंकज उदास ने मोहरा फिल्म के लिए, लेकिन ये फिल्म दोबारा गाया गया था। इसमें शब्दों में कोई फेरबदल नहीं था, लेकिन म्यूजिक में जरूर थोड़ा बहुत फेरबदल उन्होंने किया था। फिल्म के लिए विजय शाह ने इसका म्यूजिक बनाया। दरअसल सिंगर इंदिवर ने ये गाना 30 साल पहले ही लिख दिया था और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने इसका म्यूजिक तैयार कर दिया था। इस गाने को मुकेश जी की एवरग्रीन आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। मुकेश का गाया ये वर्जन किसी हिंदी फिल्म में आज तक शामिल नहीं किया गया। जिस फिल्म में इस गाने को शामिल किया जाना था वो फिल्म कभी बनी ही नहीं और उसके बाद ये गाना रिलीज हुआ फिल्म मोहरा के जरिए। इस गाने के बोल थे ना कजरे की धार ना मोती ओ सहार। इस गाने को लोगों ने अपने दिलों में बसा लिया और लोगों के दिलों की धड़कन ये गाना बन चुका है। वेल, इस गाने के साथ ही सामने आई थी एक्ट्रेस पूनम झावर, जिन्होंने इस फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग की, जबरदस्त डांस किया, लेकिन आज एक्ट्रेस इंडस्ट्री से कहीं दूर हो चुकी हैं। वो सुर्खियों में जरूर छाई उस वक्त, लेकिन आज वो इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है। नंबर पांच,
फिल्म में नसीरुद्दीन शाह भी नजर आए थे। उन्होंने इस फिल्म में रवीना टंडन के साथ डांस किया था, जहां वो उनके साथ डांस करते करते काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल भी फील कर रहे थे। तो वहीं जब वो रवीना टंडन के साथ फिल्म के गाने तो चीज बड़ी है मस्त मस्त गाने की शूटिंग कर रहे थे, तो वहीं उस वक्त रवीना कुल्लू मनाली से अपनी एक शूटिंग पूरी करके वापस मुंबई आई थी, जिस वजह से एक्ट्रेस जब मुंबई के फिल्मिस्तान के स्टूडियो में इस गाने की शूटिंग कर रही थी तब बेहोश होकर गिर गई थी, जिसपे की फिल्म की शूटिंग को बंद करने की भी बात कह दी गई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने ज्यादा खास परेशानी की बात नहीं बताई। तो वहीं फिल्म में वलन का किरदार निभा रहे नासिर भी उस वक्त इस गाने को करते हुए कई बार फिल्म के डायरेक्टर से यही कहते रहे कि आखिर वो उनसे ये सब क्या क्या करवा रहे हैं और कब तक करवाएंगे। फिल्म में नासिर और रवीना पर फिल्माया जा रहा ये गाना काफी बोल्ड था, तो वहीं गाने की शूटिंग के बीच ब्रेक मिलने पर नासिर इतने कंफ्यूज हो जाते थे कि उन्हें समझ नहीं आता था कि वो एक्ट्रेस रवीना टंडन से क्या बात करें। तो वहीं रवीना से इंटरनेशनल मसलों पर वो बात करने लगते थे। नंबर 6, ये उस समय की बात है जब सनी देओल, जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर जैसे एक्टर्स हर तरह के फिल्मों में फिट कर दिए जाते थे। इस फिल्म से जुड़ी एक कॉन्ट्रोवर्सी भी काफी मशहूर हुई। दरअसल फिल्म मोहरा के डायरेक्टर राजीव राय पर इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार अनिल कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान तंज कसते हुए कहा था कि फिल्म में दो नॉन एक्टर्स को आखिर क्यों लिया गया है, क्या सनी देओल और जैकी श्रॉफ ने फिल्म के लिए हाँ नहीं कहा, या फिर उस दौरान राजीव राय की फिल्म जो सुपरहिट साबित हुआ करती थी उनमें एक्शन हीरो की कमी आ गई है। आपको बता दें कि उस वक्त एक्शन हीरो के तौर पर जैकी श्रॉफ और सनी देओल का नाम सबसे आगे रहता था और इन दोनों की जोड़ी भी सुपरहिट साबित होती थी, लेकिन फिल्म मोहरा में राजीव राय को एक ऐसा हीरो चाहिए था जो एक्शन के साथ साथ अच्छा डांस भी कर सके, उसकी हाइट भी काफी अच्छी हो, और इस हिसाब से अक्षय कुमार एकदम परफेक्ट थे। इसके अलावा फिल्म में सुनील शेट्टी भी नजर आए। मोहरा फिल्म से पहले सुनील शेट्टी राजीव राय की फिल्म से डेब्यू करने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए इस बात को कॉम्पनसेट करने के लिए सुनील शेट्टी को इस फिल्म लिया गया, जिसके बाद अनिल कपूर ने फिल्म के डायरेक्टर पर तंज कसते हुए कहा था कि राजीव राय ने इस बार नॉन एक्टर्स को अपने फिल्म में शामिल कर लिया है। फिल्म के कास्टिंग से जुड़ा एक फन फैक्ट ये भी है कि मोहरा वो पहली फिल्म थी जिस पर अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिकड़ी ने पहली बार एक साथ काम किया था। तो दोस्तों, आपको फिल्म मोहरा उस वक्त कैसी लगी थी, फिल्म का कौन सा गाना आपका सुपरहिट गाना है और फिल्म की तिकड़ी आपको कैसी लगी थी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको कौन सा किस्सा सबसे ज्यादा मजेदार लगा। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।